हेलो दोस्तों, त्योहार के मौके पर मनोरंजक पारिवारिक फिल्मों को रिलीज करने का चलन हमेशा से रहा है। ये वो ट्रेंड है जहां फेस्टिवल पर पूरा परिवार एक फिल्म को होलसम एंटरटेनमेंट की तरह देख सके। प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी यूथफुल फिल्मों के निर्देशक लव रंजन तू झूठी मैं मक्कार नाम की एक मूवी लेकर आए है। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। कहानी की शुरुआत हॉलीडे वाले टाइम पास प्यार से होती है, जहां मिक्की एक अमीर परिवार का मल्टीपल बिजनेस करने वाला एक लड़का है, जो अपने दोस्त अनुभव सिंह बच्ची के साथ मिलकर ब्रेकअप कराने का बिजनेस भी धूम धड़ाके से चलाता है। ब्रेकअप कराने के लिए 2 लाख लेने वाली मिक्की की मुलाकात अपने दोस्त की मंगनी में टीनी से होती है। टीनी को वो पहली नजर में ही दिल दे बैठता है। ब्रेकअप कराने वाले मिक्की को टीनी से सच्ची मोहब्बत हो जाती है। मिक्की जब टीनी को अपने परिवार वालों से मिलवाता है, तो वो लोग भी टीनी जैसी सुंदर और इंडिपेंडेंट लड़की को पाकर खुश हो जाते हैं। परिवार की सहमति से दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और अब मंगनी होने वाली है। मगर तभी मिक्की के पास एक लड़की का फोन आता है, उसे अपना ब्रेकअप कराना है। वह लड़की जब अपना डिटेल मिक्की को बताती है, तो उसके पैरों को नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं उसकी अपने मंगेतर टीनी है। टीनी इस बात से अनजान है कि ब्रेकअप करवाने का काम करने वाला उसका अपना ही मंगेतर मिक्की है। क्या मिक्की अपना ही ब्रेकअप करवाएगा और इसके अलावा इस फिल्म में आगे क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। निर्देशक के रूप में लव रंजन ने भले ही इस फिल्म का प्रचार प्रसार रोम कॉम के नाम से किया हो, मगर सही मायने में ये फिल्म हमें पारिवारिक मूल्यों की समझ देती है। हालांकि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लगती है, मगर वही सेकंड हाफ आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है इस फिल्म को लेकर। लव रंजन के फिल्मों के एक खासियत ये है कि इनकी फिल्मों में हमें मोनोलॉग से सुनने को मिलते हैं, तो इस फिल्म में भी हमें भर भर के मोनोलॉग से सुनने को मिलते हैं, जो कहीं कहीं पर काम नहीं करती। इस फिल्म में हमें तेरे प्यार में प्यार होता कई बार है और ओ बेदर्दया जैसे गाने सुनने को भी मिलते हैं, जो कानों को सुकून देने का काम करता है। रणवीर कपूर के एक्टिंग की बात करें तो रणवीर कपूर ने इसमें अच्छा काम किया है। मिक्की का कैरेक्टर उस पे जच रहा था और श्रद्धा कपूर ने भी अच्छा काम किया है और अपने बस्सी साहब ने भी अपने रोल के हिसाब से अच्छा काम किया है। इस फिल्म के फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा कम कर दिया जाता तो और भी अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट हाफ से ये फील होने लगता है कि फिल्म वाकई लंबी है और कुछ कुछ सीन ऐसा है जहां पर आपको लगता है कि ये सीन क्रिंज है। जैसे कि श्रद्धा जब ब्रेकअप के लिए रणवीर कपूर को कॉल करती है, तो वो दोनों एक दूसरे की आवाज को नहीं पहचान पाते है। बाकी देखा जाए तो फिल्म एक रोम कॉम के साथ एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसे देखने पर मजा तो आता है। और इस फिल्म के लास्ट में हमें एक क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है। इस फिल्म में किसिंग सीन बहुत है और बिकनी वाले सीन भी है, तो आपके ऊपर है कि आप इस फिल्म को परिवार वालों के साथ देखना चाहते हो या नहीं। बाकी मुझे तो ये फिल्म अच्छी लगी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने इस फिल्म को देख लिया हो या नहीं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।